तो लॉन्डन लुंग क्या हालचाल है, आ चुके हैं एक और गेम प्ले वीडियो के साथ। तो हम लोग खेलने वाले लेविक मैच, और भाई अपना उतर चुके हैं सस्ते पोचिंग की यानी कि मिडिस टीम में। तो इस वाले बड़े घर में हम लोग लैंड करते हैं डायरेक्ट। अब इसमें आने के बाद मुझे ऊपर मिलती है कुछ 5 की 60 एमओ। 60 एमओ के बाद मुझे मिलती है यहाँ पर एक गन, जो कि भाई बहुत तगड़ी गन है भाई, तुम जानते हो उस गन का। उस गन का नाम है M16, जो कि भाई मुझे इस गन पर एकदम भरोसा नहीं है। मैं तवे से मार लूँगा या पेन से मार लूँगा, मुक्के से मार लूँगा, लेकिन इससे मारना भाई मेरे अंदर बस की बात नहीं है भाई। भाई मेरी फटकी यहाँ 4 थी, क्योंकि यार मेरे पास कोई अच्छी गन नहीं थी क्लोज रेंज के लिए। लेकिन यहाँ मुझे मिलती है P90 और एक स्कारल, जो कि भाई अच्छी गन है भाई क्लोज रेंज के लिए, तब भी अच्छी गन है। इन दोनों गन लेने के बाद मुझे यहाँ से दिखता है एक बंदा खिड़की पे से, लेकिन यार मेरा स्प्रे कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि भाई बीच में आ जाता है एक पिलर यानी कि खंबा टाइप का आता है, तो उसके वजह से मेरा स्प्रे यहाँ थोड़ा हिल जाता है। तो अब इसके बाद देखो वहाँ पे क्या होता है अभी आगे सीन। तो यार इस स्प्रे में तो भाई पूरी तरह से एकदम हक दिया, एकदम मस्त तरीके से एकदम। लेकिन आगे मिलता है मुझे एक बॉट, और उस बॉट से मैं करता हूँ इस मैच का श्री गणेश। तो देखो उस बॉट को आराम से यहाँ पे मारते हैं भाई, बॉट को मारने में कोई शर्म नहीं भाई, फ्री का किल कौन छोड़ेगा यार, मतलब आराम से पे लेंगे बॉट को। तो बॉट को मारने के बाद और जो बंदा भागता है वो बंदा यहाँ पर मेरे इस घर में नॉक हो जाता है। तो इस बंदे को मैं फिनिश करता हूँ आके, मतलब किल तो मेरा है नहीं लेकिन भाई तब भी फिनिश कर देता हूँ। तो भाई इन बंदों को मारने के बाद, मतलब मारा नहीं भाई, मारा तो किसी और ने था लेकिन फिनिश हमने किया। इसके बाद फुरस्टेप आती है मुझे मेरे सामने वाली घर की तरफ से, और देखना उन बंदों को कैसे मारे हम भाई, मतलब पीछे से आए और पीछे से बल्ले बल्ले करके चल गए। और भाई अब देखना है यहाँ पे लैग, लैग हो गया तो कुछ इस प्रकार का लैग हमारे फोन में होता है। तो हम पहले दोस्त को अपने रिवाइव करते हैं, और इस घर में 2 बंदे और घुस जाते हैं, एक डुओ यानी कि। और यहाँ पर जो 2 बंदे घुसते हैं ये बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को, सोचते हैं कि भाई सब डैमेज होंगे हम लोग आके पेल लेंगे, लेकिन यहाँ पर इनके साथ उल्टा सीन होता है। तो देखो क्या होता है अभी। तो भाई ये थे वो महान आत्मा जो हमारे हाथों पेले गए, जो भाई बहुत चालाक समझते थे अपने आपको। और यहाँ पर मेरा टीममेट बहुत खतरनाक किल चोरी करता है बॉट का। अब चलते हैं आगे की तरफ बंदों को ढूंढने के लिए। तो भाई मेरे स्टीम में तो मुझे एक भी बंदा नहीं मिला, मैंने बहुत देर तक ढूंढा वहाँ पे रुक के, लेकिन अब मुझे एक भी बंदा नहीं मिला। तो हम लोग आ जाते हैं इस रिज की तरफ यानी कि पहाड़ी में। अब पहाड़ी पर भाई बंदा मुझे मिलता नहीं है, मैंने पहाड़ी पर ही बॉर्डर ढूंढा, लेकिन फिर मुझे बंदा मिलता है एक आगे की तरफ। तो भाई जिस बंदे की तलाश थी वो बंदा मुझे मिलता है इस तरफ, और देखो कैसे पेलते हैं उसको। और भाई साहब ये था वो बंदा जो सांप बन के लेटा हुआ था, और जैसे ही इसने मुझको देखा अचानक से खड़ा हो गया, और जैसे अचानक से खड़ा हुआ हम लोगों ने इनको अचानक से पेल दिया। तो भाई अब चलते आगे की तरफ बंदे को ढूंढने के लिए। तो अब देखना यहाँ पे मेरी ड्राइविंग, अबे बेटी चोद मेरे ऐसा ड्राइवर अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अब देखना भाई धूम 3 के यहाँ पे नशे, मतलब इस ड्राइविंग से मैंने अपनी आधे ज्यादा हेल्थ खा ली और मरने से बचा, लेकिन आगे मर जाता हूँ। तो भाई मेरे मरने का सीन भी देख के जाना। ओनली 10 HP, सिर्फ 10 HP बची है मेरे पास। अब देखो आगे क्या होता है यहाँ पर। मैंने मेडिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया लेकिन मेरा मेडिकेट यूज नहीं हुआ, और मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से मारा गया एकदम। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में, तो देखो नेक्स्ट मैच में क्या तबाही होती है। तो यार पिछले मैच की तरह फिर से उतर चुके हैं मेरे स्टीन नामक जगह में। यहाँ पर भाई एक AKM मिलने के बाद मुझे यहाँ पर सामने वाली घर से फुटस्टेप की साउंड आती है। अब देखो क्या होता है आगे। अब भाई इसके पास भी सेम मेरी तरह था, जैसे कि
मेरे पास एक AKM थी, इसके पास एक AKM थी, मेरे पास ना ही वेस्ट हेलमेट ना ही इसके पास वेस्ट हेलमेट। तो भाई ये अगर क्राउच होता तो ये मुझे आराम से यहाँ पे मार सकता था, लेकिन इन्होंने प्रोन चुना और प्रोन चुनने के कारण ये भाई साहब हमारे तो पेले गए। तो भाई इसको तो हम लोगों ने एकदम आराम से यहाँ पे मार दिया। अब चलते आगे की तरफ बंदों को ढूंढने के लिए, लेकिन चलने से पहले साउंड आती है फुटस्टेप ही मुझे अपार्टमेंट के अंदर से, तो देखो वहाँ पे कैसे उस लौंडे को हम लोग पेलते हैं। तो यार ये तो कन्फर्म था कि फुटस्टेप अपार्टमेंट जा रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं था कि फर्स्ट फ्लोर से कि सेकंड की थर्ड। तो अब देखना यहाँ पे वो कैंपिंग करता है और कैंपर देखना कितना बेटीचोद रहता है वो, अब देखना उसे कैसे मारते हैं यहाँ पर हम लोग। ए जा बेटीचोद जा, मतलब भाई सीजन 14 आ गया अब तो कैंपिंग करना बंद कर दो बेटीचोद। मतलब भाई अगर उस दरवाजे पे थोड़ी देर खड़ा होकर मैं इसको ढूंढता तो ये मेरी पेटी पक्का बनाता जैसे कि मैंने इसकी बनाई है। तो भाई देखिए मतलब इसको हेड पे गोली पड़ी है और इसके पास हेलमेट नहीं थी, तो भाई ये होता है नुकसान तुम्हारे पास हेलमेट ना होने का। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। तो यार एक और फुटस्टेप पे साउंड आ रही थी ऊपर से, तो भाई ऊपर से आ रही थी लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था कि भाई किस फ्लोर से, फर्स्ट सेकंड के थर्ड सेम यही कंडीशन था। लेकिन जैसे ही मैं इस घर में घुसता हूँ मुझे कंफर्म हो जाता है कि भाई वो फुटस्टेप आती है ऊपर वाले फ्लोर से एकदम। एक तो भाई मेरे पास हेलमेट था नहीं, अब मुझे डर लग रहा था कि भाई वो मुझे आसानी से किल कर देगा, लेकिन देखना उस बंदे के साथ हम लोग क्या करते हैं अभी। इस बेटीचोद के द्वारा जो नेट फेंका गया था वो नेट चल गया था बाहर, इसीलिए मैं बच गया, वरना अगर ये नेट यहाँ पर रहता तो भाई मैं यहाँ पर नहीं रहता, एकदम नहीं रहता, मेरी पेटी जरूर बनती यहाँ पर इसकी तरह। तो भाई ये तो वो वाला सीन हो गया कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, सुधर जाओ बेटीचोद सुधर जाओ। तो भाई इस महान बमबाज यानी कि ग्रेनेडियर को मारने के बाद मुझे मिलती है यहाँ से एक स्कारल और चलते आगे की तरफ, लेकिन जाने से पहले हमें इस घर से आती है फुटस्टेप की साउंड। अब भाई मतलब इस बंदे को इस घर में ढूंढता हूँ लेकिन बंदा मिलता नहीं है, मैं नेट भी ट्राई करता हूँ फिर सोचता हूँ कि भाई मेरे पास एक नेट है और वेस्ट मुझे करना नहीं है, लेकिन इस बंदे को काफ़ी ढूंढने के बाद वो बंदा मुझे मिलता है बाहर रोड की तरफ। तो भाई साहब तुम सोच रहे होगे कि यार अभी तक तो हैकर दिखा नहीं मैच में, मैच ख़त्म भी हो गया आधा लेकिन अभी तक हैकर के नामो निशान नहीं है। तो भाई सच बताऊँ इस मैच में भाई कोई हैकर नहीं है, लिटरली सच्ची भाई कोई हैकर नहीं है, ना हैकिंग ना हैकर ना लड़ा ना सन, कुछ हैकर नहीं इसमें है। देखो भाई सच बात ये है कि मुझे मैच के लिए टाइटल सूझ नहीं रहा था, तो बस मैंने हैकर का टाइटल और थंबनेल लगा के पोस्ट कर दिया, तो भाई इसके लिए माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। तो भाई जो फुटस्टेप आता है इस बंदे का वो रहता है बॉट, और वो बॉट रहता है इस वाले घर में। तो देखो तो भाई इस बेटीचोद बॉट को आराम से हम लोगों ने यहाँ पे मार दिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई फिर से सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि यार देखो इंसान मैं भी हूँ, मैं भी टाइटल और थंबनेल ढूंढते थक गया था कि भाई क्या लगाओ क्या लगाओ, फिर दिमाग में चलो भाई लगाते हैं हैकर का, तो भाई बस जो दिमाग में लगा दिया भाई, समझा करो बेटीचोद भाई समझा करो यार। तो अब देखना यहाँ पर कितना बेटीचोद बंदा होता है जो मेरे आँख के सामने से किल चोरी करता है। तो भाई जैसे ही मैंने अपना यहाँ पे ADS खोला तो मेरा किल चोरी हो चुका था और इस तरफ से काफ़ी देर से गन फायर के साउंड आ रहे थे। तो अब चलते हैं इस तरफ और देखते हैं भाई जो बंदे बचे हैं उनको पेलते हैं, नए बचे तो भाई कोई बात ही नहीं, तो चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा फायरिंग बटन ग्लिच होने के कारण से मेरा फायरिंग बटन काम नहीं किया, लेकिन मैं जिसकी तलाश में आया था वो बंदा मुझे मिलता है यहाँ पर। तो भाई ये था वो बंदा जिसने मेरा किल चुराया था, और ये इतना बड़ा बेटीचोद था रोटेशन लेके पत्थर पीछे सांप बन गया था और ऊपर से बॉट स्कैम कर रहा था वो अलग। तो भाई हमने इनको यहाँ पर आराम से पेल दिया, अब चलते हैं आगे की तरफ बंदों को ढूंढने के लिए। तो काफ़ी देर के बाद मुझे मिलता है ये बॉट। देखो बेटीचोद क्या घड़ी आ गई, ये बॉट को मारना पड़ रहा है बार बार मुझे, मतलब भाई इतना ढूंढने के बाद मिल रहा है बॉट, तो भाई तुम्हारी भी जलेगी इस टाइम, मेरी भी जल रही है तुम्हारी भी जलेगी। तो भाई अब चलते हैं आगे की तरफ ढूंढने के लिए बंदों को, तो देखो भाई आगे बंदे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो भाई अब देखना मतलब ये लौंडा भाई किस ख्वाब में मग्न है, मतलब सामने भाई बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो भाई बढ़ोगे तो पहले जाओगे, तो देखो कैसे पहलते हैं इसको। तो तुम बताना ये बॉट था रियल था, मुझे तो एक तरह से ये बॉट लग रहा था। तो देखो मतलब कहाँ आगे बढ़ते आ रहे हो भाई, बढ़ते आ रहे हो मतलब पबजी में उन्होंने गन दिया है
तो दिखाने के लिए दिया है भाई, चलाने के दिया तो भाई कम से कम फायरिंग बटन पे टैप तो करो, मतलब गन डाल के जाओगे बैग में और कहीं मत समझना। तो भाई उस नशेड़ी बंदे को मारने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस तरफ, अब बचते हैं अलाइव तीन। और जैसे मैं थोड़ा सा और आगे पहुंचता हूं, फिर देखता हूं कि अलाइव बचते हैं दो, यानी कि लास्ट मैन स्टैंडिंग। तो देखो उसको कैसे पेलते हैं, मतलब पूरा फ्री फायर दे के मज़ेदार तरीके से पेलते हैं उसको। तो देखो कैसे मारते हैं इसको। तो भाई लोग अपना हो चुका है यहाँ पर एक चिकन डिनर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट बताना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।